अगले कॉलर महाराज से दादा उबाले हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दादा पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा सवाल ऐसा है कि जो भी 45 एज के ऊपर के लोगों को वैक्सीन दी जाती है, कुछ लोगों को इसका रिएक्शन आता है और उनकी बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है। जो अच्छे खासे लोग हैं फिलहाल, उन्होंने अगर वैक्सीन ले ली तो उनको भी थोड़ा सा रिएक्शन आता है कि वो उठ नहीं पाते, चल नहीं पाते और उनको थकान महसूस होती है, तो इस वैक्सीन के बारे में बताइए सर। देखिए ऐसा है, आपका क्वेश्चन बड़ा वाजिब है। काफी लोगों को दहशत और काफी डर था वैक्सीन के मामले में, खास करके शुरुआती दौर में। 16 जनवरी को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन शुरू किया, आज 100वां दिन है। देखिए आज 100वां दिन है और 14 करोड़ के ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, जिसमें काफी कुछ हेल्थ केयर वर्कर है और बाकी 45 से 60 वाले हैं, वो 60 के ऊपर वाले हैं। वैक्सीन लगने के बाद, चाहे कोविशील्ड हो चाहे कोवैक्सीन हो, उसमें हल्का फुल्का बुखार आ सकता है शुरू के 3 दिन या 4 दिन में। बहुत ही रेयर केस में ऐसा देखा गया है, कुछ लोगों की डेथ हो गई, जो कि माना गया कि ये डेथ होनी ही थी और वैक्सीन से कोई मतलब नहीं रहा। जी। शुरुआती दौर में एक डर आया था कोविशील्ड वैक्सीन के लिए कि कोविशील्ड वैक्सीन से खून गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से या तो दिल का दौरा या पैर की नसों में खून जम जाता है, उससे पल्मोनरी एम्बोलिज्म से डेथ हो सकती है। लेकिन वो ओवरऑल डेटा देखा गया पूरे वर्ल्ड में, तो उसमें ये कोविशील्ड वैक्सीन जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बनी हुई है, ये देखा गया कि ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। मैं वैक्सीन के बारे में बताना चाहूंगा कि अगर किसी को हल्का फुल्का बुखार आए तो उसमें डरने की बात नहीं है, क्रोसिन ले लें।